हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। वेलकम है आप सबका GTA 5 के एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। अब जैसा कि आप सबको पता ही है भाई, हमारे पास कई सारे इंडियन कार्स हैं, बट बहुत टाइम से मैंने कोई भी कार बाय नहीं की थी। तो गाइस आज आप सबके डिमांड पर मैं बाय करने वाला हूँ बलेनो। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। और आप सबको पता ही है हमारा कार डीलर है सीमियो, तो उसे मैंने बोल दिया कि भाई बलेनो के कुछ कलर्स लाकर रखे अपने शोरूम पर, एंड वहां चलकर उन कलर्स में से कोई एक सा कार चुनेंगे एंड उसे लेकर आ जाएंगे भाई अपने घर। वैसे मुझे और कौन कौन से इंडियन कार्स बाय करने चाहिए वो आप सब मुझे नीचे कॉमेंट करके सजेशन दे सकते हो। और जैसा कि आप सबको पता ही है हमारे इस लाइफ में ज्यादा कोई है नहीं, है बस अपना माइकल, तो उसे लेकर चलेंगे भाई अपनी कार की डिलीवरी लेने। तो चलो फटाफट से अपने इस Hyundai Kona को लेकर चलते हैं माइकल के घर पर। और गाइस मैं सोच रहा हूँ माइकल के घर में जा रहा हूँ, तो भाई वहां से उसके साथ उसकी R1 ME चलाकर चलो डिलीवरी लेने। ओके गाइस, तो चलो निकल चुके हैं, लोकेशन वगैरह मैंने मार्क कर दिया है और कार निकले तो हम सब एक्साइटेड ही है, और साथ में रहे अपना दोस्त तो भाई डबल ही मजा आ जाता है। तो चलो आराम आराम से चलेंगे अपनी Hyundai Kona है ही। तो भाई इस कलेक्शन में हमारे पास एक और कार ऐड हो जाएगी जो कि अपनी मारुति सुजुकी बलेनो, जो कि भाई नेक्सा की आती है। और भाई अपनी फ्रैंकी ने गली वगैरह तो भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, तो यहाँ पर संभल संभल के चलाना पड़ेगा। कोई नहीं भाई, हम यहाँ पर थोड़े बहुत रह चुके अच्छे खासे टाइम, तो आइडिया लग चुका है भाई यहाँ से हमें किस तरह से बिना ठोके कार निकालना है। तो ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, और स्पेशली भाई बलेनो तो अपना नहीं ठुकना चाहिए। अब भाई मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कि आखिरकार लूँगा कौन सा कलर, तो भाई यहाँ पर थोड़ा संभल के। लेकिन हाँ कोई नहीं, माइकल चल रहा है अपने साथ एंड आप लोग भी चल रहे हो, तो भाई देख कर कोई ना कोई कार डिसाइड कर ही लेंगे। सो गाइस अब पहुंच चुके हैं हम लगभग माइकल के घर पर, एंड उसे मैंने बोल दिया कि भाई तू अपनी R1 M निकाल कर रखना अपने गराज से। तो देखते हैं भाई निकाल कर रखेगा कि या फिर नहीं, हम अपने Hyundai Kona को भाई उसी के घर में खड़े कर देंगे कहीं पर। लेट्स सी, माइकल तो बाहर नहीं दिख रहा है, लगता है अंदर ही होगा। माइकल अच्छा वहाँ रहा माइकल अपनी R1 M के साथ। चलो यहाँ पर इसकी कार पार्क कर देता हूँ अंदर अपनी छाया में। चलो यहाँ पर रख देते हो, सबसे अच्छा जगह है। ओके चलो भाई उतर जा अपना फ्रैंकलिन, एंड चलो भाई लॉक कर दिए कार को। वैसे ही भाई माइकल के घर से कौन ही चोरी करेगा, तो चलते हैं अपनी R1 पहले। R1 M बहुत लोगों ने नहीं देखा है, तो उन्हें दिखा भी देता हूँ। तो देख सकते हो भाई यही है अपना R1 M, तो अच्छे से दिखाता हूँ आप सबको। सो देख सकते हो भाई ये माइकल की R1 M क्या ही ज़बरदस्त लगती है देखने में। आप सबको पता ही है भाई माइकल को हमने उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था ये बाइक, एंड जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। माइकल को हमने एक तरह से सरप्राइज पार्टी दिया एंड इसे ये बाइक गिफ्ट किया। चलो बहुत हो गया, फटाफट से बैठते दोनों अपनी बाइक में एंड निकलते भाई अपनी न्यू कार बलेनो की डिलीवरी लेने। तो चलो आज तो स्पीड टेस्ट करेंगे। ओह बच गए, देखो भाई माइकल नहीं कच कर रहा हूँ मैं, देख सकते हो भाई हल्का सा ठोकर लगा माइकल की बाइक पर, वो कैसे चलाने लगा। बट कोई नहीं, थोड़ा आराम आराम से चलाएंगे। उस दिन हम ज़्यादा तो स्पीड नहीं भगाया था, बट हाँ थोड़ी बहुत आज भगा सकते हैं। लेकिन हाँ संभल के जाएंगे क्योंकि भाई हमें आज अपनी बलेनो की डिलीवरी लेनी है। कोई नहीं चलते भाई, थोड़ी स्पीड तो हम भगा ही रहे, अच्छी खासी स्पीड भगा रहे, थोड़ी बहुत नहीं। तो चलो फटाफट से चलते अपने कार डीलर सीमियो के शोरूम पर। तो चलो अब लगभग आ चुका है अपना शोरूम, एंड अपनी इस बार एंट्री करते भाई पीछे तरफ से। हर बार हम आगे से जाते हैं सामने से, बट इस बार जाएंगे पीछे से। तो चलो एक टर्न के बाद अपना शोरूम है आराम से। अरे भाई मैं आगे निकल गया फ्लो में। वैसे मैं आगे से जा सकता था, बट कोई नहीं मुड़ा ही लेता हूँ। सही है, देखते हो भाई इस बाइक को चलाने में अलग ही फ्लो आता है। फ्लो में मैं आगे निकल गया, बट कोई नहीं। चलो इस बार अपने पीछे से चलते हैं, हर बार शोरूम के आगे जाते थे। तो चलो यहाँ से चलते हैं एंड अपनी बाइक को भाई सही सलामत यहाँ पर खड़ी कर देते हैं। तो उतर जा फ्रैंकलिन और माइकल दोनों। तो चलो भाई चलते हैं अंदर। ओके एक तो नज़र आने लगी भाई अपनी वाइट कलर की, देख सकते हो भाई क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। मैं अच्छे से सभी को दिखाऊंगा इंटीरियर भाई इसका, हम दिखाएंगे ज़रूर से। देख सकते हो आगे अपने सुजुकी का लोगो है, क्या ही ज़बरदस्त लग रही है भाई वाइट कलर। वैसे मैं सोच रहा हूँ भाई वाइट ना लूँ, क्योंकि वाइट मेरे पास Hyundai की कोना ऑलरेडी है, फॉर्चुनर भी वाइट है हमारे पास। तो सोच रहा हूँ भाई इस बार वाइट ना लूँ, देखता हूँ भाई ले भी सकता हूँ क्योंकि वाइट मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। बट हाँ इंटीरियर भी मैं दिखाऊंगा, पहले सब भाई सब कार को बाहर से दिखा देता हूँ। वाइट तो आपने देख लिया, और अब दूसरी है भाई अपनी ब्लैक। भाई ब्लैक तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रही है, मेरा मन तो कर रहा है भाई मैं सारे कलर्स ले लूँ। सॉरी ये ब्लैक नहीं, ये ग्रे, यस ये ग्रे कलर है। देख सकते हो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है देखने में। ये रहा अपना भाई ब्लू, सॉरी नेक्सा ब्लू इसे बोलते हैं। हाँ भाई मुझे याद है नेक्सा की आती है अपनी बलेनो। देख सकते हो भाई ये अपने नेक्सा ब्लू कलर, जो कि भाई मन तो कर रहा है क्योंकि हमारे पास भाई ऐसा कलर का एक भी कार नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई क्यों ना कलर के हिसाब से मैं इस कलर को चुन लूँ, क्योंकि हमारे पास ग्रे कलर की भी कार है, हमारे पास वाइट भी है, बट हमारे पास भाई इस ब्लू टाइप की कोई भी कार नहीं है। तो मुझे लगता है भाई ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अपना सीमियो किधर है भाई, पहले आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। चलो भाई इंटीरियर दिखाता हूँ, उसके बाद सीमियो को ढूंढूंगा। बैठ जा माइकल, तो भी देख लियो इंटीरियर। चलो भाई माइकल भी बैठ चुका है, इंटीरियर दिखाता हूँ आप सबको अच्छे से। देख सकते हो भाई ये रहा अपना LED डिस्प्ले, जो कि भाई क्या ही खतरनाक लग रही देखने में। एंड हॉर्न भी भाई टेस्ट अपना मार ही लेते हैं। चलो देखो सही है हॉर्न भाई अपनी, देख सकते हो। और भाई LED पीछे देख सकते हो, सीट वेट सब सही है।
माइकल भाई कैसा है तू? माइकल हमारे साथ बैठ चुका है भाई, पूरी कार की जांच पड़ताल कर रहा है, क्योंकि है तो भाई हमारा दोस्त ही। देख सकते हो भाई हैंडलिंग भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त। वैसे हम चलाएंगे भाई इसे, इसकी स्पीड टेस्ट भी करेंगे। कोई नहीं, सारा कुछ हो चुका है। अब भाई ढूंढते अपने सीमियो को। किधर गया भाई अपना सीमियो? वो अपना अंदर ही होगा, फ़ोन यूज़ कर रहा होगा। हाँ फ़ोन यूज़ कर रहा होगा, अंदर होगा, फ़ोन यूज़ कर रहा होगा। लेट सी क्या करता है भाई। नहीं, इस बार फ़ोन यूज़ नहीं करा, इस बार भाई कंप्यूटर चला रहा है। इस बार हम थोड़े गलत हो गए, बट कोई नहीं। जल्दी से मैं अपनी नेक्सा ब्लू बैलेनो की पेपर वर्क वगैरह करता हूँ। ओके गाइस, सारा कुछ हो चुका है, तो देर किस बात की, कार ही हमारा है। तो भाई निकलते हैं अपनी इस कार को लेकर, एंड करते भाई अपनी स्पीड टेस्ट वगैरह, करते अपने ब्रेक टेस्ट वगैरह। तो चल भाई माइकल, बैठ जा आराम से, निकालते भाई अपने इस शोरूम से बाहर। पहले तो भाई अपनी एक्सीलेटर देता हूँ अच्छी तरह से। कार हमारी हो चुकी है, तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं है। देख सकते हो भाई क्या ही मज़ा आ रहा है। तो भाई बहुत हो गया, अब चलो निकलते हैं चुपचाप से बाहर, आराम से आराम से। ओके चलो भाई, अब थोड़ी भगाते हैं, भगाएंगे भाई हम थोड़ी एयरपोर्ट में चलकर। तो चलो एयरपोर्ट ही चलते हैं, वहाँ पर स्पीड टेस्ट, ब्रेक टेस्ट सारा कुछ हो जाएगा। तो चलो आराम से भाई, आना मत, चलो चलो। बहुत अच्छे भाई, ठुकरी नहीं चाहिए, सारा कुछ हो जाएगा भाई अपने एयरपोर्ट पर। चलो फटाफट से भाई अपने एयरपोर्ट ही निकलते हैं। ओके गाइस, तो चलो अब बस हम अपने एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। एंड जितनी देर भी भाई मैंने इस बलोनो को चलाया, चलाकर भाई एक ही बात बोलूँगा भाई, मज़ा आ गया। तो चलो फटाफट से, असली टेस्ट तो भाई अपने एयरपोर्ट के अंदर ही होगी। एंड अब बस हम एंट्री लेने वाले अपने एयरपोर्ट के अंदर, उसके बाद तो भाई मचाएंगे अपनी। तो भाई थोड़ा संभाल संभाल कर ही भाई अंदर चलते हैं। तो चलो भाई, ये हॉर्न मार के फायदा नहीं, सीधा तोड़ देता हूँ। चलो भाई तोड़ देता, आराम से तोड़ेंगे। उठा दिए भाई, तोड़े नहीं, गेट खुला हुआ ही है। तो चलो भाई भगाते अपने इस बलेनो को। एंड भाई स्टार्टिंग पॉइंट से करेंगे तो भाई ज़्यादा सही रहेगा। चलो भाई किधर से स्टार्ट किया जाए, किधर से भाई अच्छी जगह ढूंढता हूँ। चलो यहाँ से आगे चलता हूँ भाई, चलो 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 इधर से, ठीक है इधर से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो लेट्स गो। साइड में आपको स्पीड देख रही होगी, मैं कंसंट्रेट करने वाला हूँ अपनी ड्राइविंग पर, तो आप सब स्पीड पर नज़र रखना। तो चलो अभी तक तो बिल्कुल सही चल रही है, 150 टप चुकी है अपनी स्पीड। लेट्स सी कहाँ तक जाती है, 170 टप चुकी है, 175 टच कर चुकी है, इससे आगे नहीं गई। और ब्रेक मुझे लगाना पड़ा भाई, ब्रेक क्या ज़बरदस्त है, रुक गई भाई, यहाँ से ब्रेक मारता हूँ। भाई साहब ब्रेक क्या सॉलिड है, अच्छी अच्छी कार ब्रेक नहीं लगा पाती सही जगह, बट ये लगा रही है। चलो उल्टा यहाँ से टेस्ट मारते हैं, 175 तक गई थी उधर से जब मैं आया था, इधर से जा रहा हूँ तो देखता हूँ भाई कितनी कितनी पहुँचती है। 140 टप चुकी, उधर से प्लेन आ रही है भाई, क्या इसी ने 160 टप चुकी है, 170 टप चुकी है, 73 74 75 75 तक जाती है भाई। और ब्रेक से भाई भाई कुछ ज़्यादा इंप्रेस, एक बार ड्राइवर व्यूज कर दिखाता हूँ सबको। ओके तो लेट्स गो गाइस, मैं यहाँ पर स्पीड टेस्ट नहीं करा, बस ड्राइवर व्यूज आप सबको दिखा रहा हूँ कैसी लगती है देखने में। देख सकते हो भाई ड्राइवर व्यू से कुछ ज़्यादा ही कूल लगती है देखने में। मैं यहाँ पर स्पीड टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ देख सकते हो ड्राइवर व्यूज आप सबको दिखा रहा हूँ। देख सकते हो भाई क्या ही ज़बरदस्त लग रही है देखने में, चलाने में भाई अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है। मैं फिर कह दे रहा हूँ भाई, ये गेम वाली गाड़ी है, रियल गाड़ी, और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए भाई रियल से इसको बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, इसे बस एक गेम की तरह ही ले रहा। ओ ब्रेक लगाते भाई, ब्रेक तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, ब्रेक तो एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह लगती है, मक्खन नहीं भाई मक्खन की तरह रहेगी तो भाई स्लिप कर जाएगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। और भाई ये कार की लुक क्या है, मन करता भाई देखता ही रह जाऊँ। और स्पीड टेस्ट वगैरह तो मैंने सारा कुछ कर लिया, देख सकते हो भाई लुक आगे से क्या ही ज़बरदस्त लगती है। हमारे साथ अपना माइकल बैठा हुआ है, शुक्र है कि भाई वो अपने स्पीड टेस्ट से डरा नहीं। और गाइज नॉर्मल टेस्ट वगैरह तो मैंने कर लिया इस कार की, बट आगे इस चैनल पर और भी कई सारे टेस्ट आने वाले इस कार से रिलेटेड, तो अगर आप सब इंटरेस्टेड हो देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल वाले बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दो। एंड सजेस्ट करना कि भाई मुझे और कौन से इंडियन कार बाय करना चाहिए, मैं ज़रूर से करूँगा। एंड इस हमारी न्यू कार के साथ हमें कौन कौन सी टेस्ट करनी चाहिए वो भी ज़रूर से नीचे कॉमेंट कर बताना, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। तो गाइस मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में किसी और गेम प्ले के साथ।